देश हमारा घोषणा पत्र जनता की भावना और उनकी भाषा में बने, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के संदर्भ में हम यहाँ आए हैं और जनमानस के बीच में बैठकर उनसे समझने की बात हम कर रहे हैं कि वो प्राथमिकता किस विषय को देते हैं और अगर किसी विषय को देते हैं तो क्यों देते हैं। बहुत अच्छे सुझाव मिले और जितने हमें अच्छे लगे सुझाव, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वो सुझाव सुनकर कुछ चिंता होनी चाहिए। जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, कुंठित है और वो सुझाव रखते हुए इस बात को दोहराती है। जी के पीछे उनके आदेश अनुसार इस लड़ाई में उतरे हैं और वो हमको लीड कर रही हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा वही कर सकती हैं और वही करेंगी। मुझे ये आदेश नहीं है ना मेरा ये अधिकार है कि मैं ये घोषणा करूं। पार्टी के अंदर लोकतंत्र बहाल कैसे होगा, मतलब चुनाव और अध्यक्ष? ये दिख रहा है लोकतंत्र कैसे बहाल है, सब बैठे हैं एक साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास है, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ये नहीं कह सकता कि हम एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पास है, हम संतुष्ट हैं, लगता है बाहर वाले संतुष्ट नहीं। आज कार्यक्रम है जनता के विभिन्न विषयों को उन्हें समझने का प्रयास करें और उन्हीं की भावना और उन्हीं की भाषा में उसको अपने घोषणा पत्र में प्रस्तुत करने की बात करें, प्रस्ताव रखें। बहुत सारे डिविजन करके यहाँ पहुँचे हैं। आज हम इलाहाबाद कर रहे हैं, कल बनारस कर रहे हैं, अभी लखनऊ बचा है, अभी लखनऊ करना है और उसके बाद हमारा घोषणा पत्र जो है उसकी लिखाई शुरू करने में आपस में बैठ के करेंगे। बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं जिन पर यहाँ तत्काल हम नहीं कोई निर्णय ले सकते, उन पर जब चर्चा हो जाएगी तो संभवतः से देश को इकट्ठा और यूनाइटेड रखना है। हमारे सामने विचारधाराएं हैं जो ऐसा नहीं करती, कथित रूप से या स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं करती। एक विचारधारा का आमने सामने का हमारी ये जंग है, लेकिन जो हमें समझ आया है उसमें रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान एक बहुत बड़ी समस्या है। जो हमारी विभिन्न इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पहले से किसानों भरी की है और दूसरी तरफ जहाँ उनकी खेती की रखवाली की समस्या है, वहाँ वो जानवर जिनको आप इस क्षेत्र में छुट्टा जानवर कहते हैं या दूसरे क्षेत्रों में उनको दूसरा नाम दिया गया है, उनके लिए सही प्रबंधन हो, गौशालाएँ बने, सही प्रबंधन हो और उनकी देख रेख वहाँ सही हो सके, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उससे हमको अंदाज़ा होता है कि घोषणा पत्र में हमको क्या क्या लिखना है। प्राथमिकता हमको अपनी विचारधारा को देनी है और जो समस्याएं हैं प्रांत की